आखिर क्या होता है श्री कृष्ण लीला सुनने से? दोस्तों, आज तक आपने कई सारी कृष्ण लीलाएं सुनी होंगी, पर आपको पता है वास्तव में कृष्ण लीला सुनने से क्या होता है? स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, श्री कृष्ण लीला सुनने से क्या होता है, इसकी महिमा क्या है, कृपया आप बताएं। ये सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आप जाओ उस पेड़ पर, एक गिरगिट बैठा होगा वहाँ पर, उसे कृष्ण कथा सुनाओ, वो आपको इसकी महिमा बताएगा। ये सुनते ही नारद जी तुरंत गए और इस गिरगिट को कृष्ण लीला सुनाई, और ये सुनते ही वो गिरगिट छटपटा कर मर गया। ये देख नारद मुनि तुरंत श्री कृष्ण के पास आए और उन्हें बताया, हे प्रभु, वो तो कथा सुनते ही छटपटा कर प्राण त्याग दिया। ये सुन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये पेड़ पर एक तोता बैठा है, आप जाकर उससे पूछिए, मुझे विश्वास से वो जरूर आपको बता देगा। ये सुनते ही नारद मुनि उस तोते के पास गए और उसे कृष्ण कथा सुनाई। ये सुनते ही वो तोता भी मर गया। ये देख नारद मुनि अचंभित हो गए और उन्होंने आकर श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ये हो क्या रहा है, जिसको मैं कृष्ण कथा सुना रहा हूँ वो अपना प्राण क्यों त्याग कर रहा है? ये सुन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नारद जी को एक राजपूत के बारे में बताते हुए कहते हैं, उस राजकुमार से जाकर आप पूछिए, और इस बार मुझे पूरा भरोसा है वो आपको कृष्ण कथा की महिमा जरूर बता पाएगा। नारद जी डरते हुए उस राजपूत के पास गए और सोचा, क्या पता इसे भी कुछ ना हो जाए। और जब उस राजकुमार ने देवर्षि नारद को देखा तो उन्होंने कहा कि हे देवर्षि नारद, आप भयभीत ना हो, आप जैसे पुण्य आत्मा के मुख से मैं श्री कृष्ण की लीला सुन गिरगिट योनि से मुक्त होकर तोते के योनि में गया, फिर तोते के योनि से मुक्त होकर मनुष्य योनि में पैदा हो पाया हूं। कृष्ण लीला की महिमा यही है, आप कृपया और एक बार मुझे कृष्ण की लीला सुनाइए, आप जैसे श्रेष्ठ भक्त के मुख से कृष्ण लीला सुन मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और नारद मुनि ये सुन आंखों में अश्रु लिए उस बालक को कृष्ण लीला सुनाते हैं और वो बालक मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की लीला सुनने से हमें केवल आनंद ही नहीं मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारा ये कथा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें। राधे राधे।